नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति करते हैं शुरुआत मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों के साथ। भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कलेक्टर कमिश्नर के साथ बैठक की। इस दौरान सीएम ने कहा कि जो अधिकारी अच्छा काम करेगा उसकी पीठ थपथपाई जाएगी और जो अच्छा काम नहीं करेगा उसे परिणाम भुगतने होंगे। बता दें कि प्रदेश में गुम हुए बच्चों की बरामदगी के संबंध में ये कार्रवाई सराहनीय है। तो डिजिटल माध्यम से ये कार्यक्रम सीएम द्वारा संबोधित किया गया जिसमें कमिश्नर और कलेक्टर के साथ बैठक की गई। उज्जैन में सिटी प्रेस क्लब अध्यक्ष शैलेंद्र कुलमी द्वारा फर्जी पत्रकारों के खिलाफ एक अभियान चलाया गया। अध्यक्ष के द्वारा उज्जैन पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर यह अवगत कराया गया कि जो पत्रकार फर्जी रूप से शहर में सक्रिय हैं, उन पर प्रशासन द्वारा लगाम कसी जाए। तो सिटी प्रेस क्लब के माध्यम से एएसपी को ज्ञापन दिया गया। मंत्री विश्वास सारंग के बयान पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि सबसे पहले ट्रेनिंग की जरूरत पीएम नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को है और इन्हें देश चलाने की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। सरकार ने बिना चर्चा जीएसटी लागू कर दी और नोटबंदी लागू कर देश की जनता को लाइन में खड़ा कर दिया। पीसी शर्मा ने आगे ये भी कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है और अपराधियों के हौसले दिन पर दिन बुलंद होते जा रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। देना है प्रशिक्षण, क्योंकि इसमें बहुत से कांग्रेस से छोड़ के जो लोग गए हैं उनको झूठ बोलना नहीं आता, तो ये एक्चुअली ये करना चाहते हैं। जैसे हमारे पुराने विधायक झूठ बोलते हैं, आप भी सीखो झूठ बोलना। एक तो इनका प्रेसिडेंट का उद्देश्य के लिए है और वही राहुल गांधी जी को प्रेसिडेंट देने के बाद तो पहले भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी को और अमित शाह जी को प्रेसिडेंट दिलाए और दिलाए मनमोहन सिंह जी से जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं आज की तारीख में। राजगढ़ में पुलिस लगातार अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ अभियान चला रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने दो शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के पास से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। कटनी में सामाजिक संस्था द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया जिसमें करीब 101 सैकड़ों लोगों ने हेल्थ चेकअप कराया। शिविर के दौरान डॉक्टरों ने मरीजों को अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने और नियमित रूप से व्यायाम और योग करने की सलाह दी। संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर उमा निगम ने बताया कि पार्क में शिविर आयोजित करने का उद्देश्य यही है कि लोग पार्क की सैर और मनोरंजन के साथ ही अपने स्वास्थ्य को लेकर भी जागरूक हों। रतलाम के जावरा शहर में रेलवे ब्रिज का निर्माण कार्य पूरी तरह से बंद करा दिया गया है। इसके चलते लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, वहीं कई बार बड़े हादसे भी हो जाते हैं। बता दें कि जावरा रेलवे फाटक शहर के मध्य होकर शहर को दो भागों में बांटती है जिसके कारण नगर वासियों का निरंतर आवागमन चलता रहता है। लेकिन ब्रिज निर्माण कार्य के कारण काफी समस्या से MPEB रोड गौशाला रोड यात्रा के लिए बंद कर दिया गया है। इससे यातायात का पूरा दबाव स्टेशन रोड पर आ गया है। आज ब्लॉक कांग्रेस और शहर कांग्रेस कमेटी जावरा के संयुक्त रूप से आज यहाँ पे जो पदाधिकारी कांग्रेस पार्टी के उनके नेतृत्व में आज यहाँ पे ज्ञापन देने आए थे। ओवरब्रिज जो यहाँ की जलवन समस्या है, काफी लोग परेशान है, काफी समय से परेशान है, काफी समय से मांग भी रही है ओवरब्रिज निर्माण की। और जब निर्माण कार्य चालू हुआ तो वो निर्माण कार्य भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। अब वो किस कारण से सब अलग अलग। ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने किसान आंदोलन को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि
कांग्रेस किसानों को लेकर राजनीति कर रही है। बता दें कि ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह ने ये बात किसान आंदोलन को लेकर हो रही राजनीति पर कही। वहीं विद्युत विभाग के निजीकरण की बात पर उन्होंने कहा कि सरकार कर्मचारी ईमानदारी से काम नहीं करते हैं, जिसके चलते कंपनी को नुकसान हो रहा है। देखिए, मैं आपसे बताऊं कि माननीय मोदी जी के भाषण में, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भाषण में बड़ा साफ है, राम काज कीने भी, मतलब मुझे उन्होंने बड़ा स्पष्ट रूप से किसानों के बारे में साफ साफ बात कहा है, और उन्होंने जो कहा है उसको किया है। विपक्ष के पास मुद्दा नहीं बचा है। हमारा कहना है कि एक पल एक क्षण में सरकार बात करने के लिए तैयार है, टेबल पे बैठे, जो कमियां हैं उन कमियों को हम दूर करने को तैयार हैं। हम तो ये नहीं करें कि नहीं ये सब सही है, पर आप तथ्य तो लाइए। बहस किसानों के मुद्दे पे नहीं हो रही दोस्त, बहस किस तरीके से देश में राजनीतिक मुद्दा बनाया जाए इस बात की। मंदसौर के सीतामऊ में पानी की समस्या को लेकर लोगों ने ग्राम पंचायत नाहरगढ़ का घेराव किया। लोगों का कहना है कि वो लंबे समय से पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। प्रदर्शन करने वाले लोगों में महिलाएं भी शामिल हुई। इसी के साथ लोगों ने संबंधित अधिकारियों से इस मामले को जल्द से जल्द निपटाने के लिए कहा है। तो मंदसौर में पानी की समस्या को लेकर थाली पीटते हुए तमाम लोगों ने प्रदर्शन किया। विदिशा में सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत यातायात पुलिस, अनाज तिलहन संघ और मंडी समिति नई कृषि उपज मंडी पहुंची। इन तीनों टीमों ने वहां पहुंचकर ट्रैक्टर ट्रॉलियों के पीछे रेडियम चिपकाए, जिसका उद्देश्य है कि अंधेरे में होने वाले हादसों को रोका जा सके। तीसरा सड़क सुरक्षा माह का आयोजन 18 जनवरी से लेकर 17 फरवरी तक किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आज मंडी में ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर रेडियम चिपकाने की कार्रवाई की जा रही है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि रात्रि के समय जब ट्रैक्टर ट्रॉलियां सड़क पर निकलती हैं तो वो पीछे से कुछ दिखता नहीं है, इसके तहत सभी ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर रेडियम चिपकाया जा रहा है ताकि रात्रि के समय जब वो सड़क पर निकले तो पीछे से दिखाई दे कि ट्रैक्टर ट्रॉली आगे जा रही है, दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। जैसा कि सभी को विदित है, 32वां सड़क सुरक्षा माह का आयोजन चल रहा है। इसी आयोजन के तत्वावधान में आज मंडी पर आके मंडी प्रशासन और ट्रैफिक पुलिस की मदद से जो यहाँ पे गाड़ी आती हैं ट्रैक्टर ट्रॉली, उसमें रेडियम लगाया जा रहा है ताकि किसी भी स्थिति में अगर रात में जब वाहन चलते हैं तो पीछे दिखाई नहीं देता। मुरैना में कोतवाली पुलिस ने रक्तदान कर अनोखी पहल की शुरुआत की। बताया गया कि पहले चरण में निरीक्षक आरती चराठे सहित 7 पुलिसकर्मी ने रक्तदान किया और आने वाले चरणों में 10 और पुलिसकर्मी रक्तदान करेंगे। जिला चिकित्सालय के ब्लड बैंक में पहुंचकर पुलिसकर्मियों ने रक्तदान किया। पुलिस के शिविर के जरिए जरूरतमंद लोगों की मदद करने की उन्होंने कोशिश की। उद्देश्य मानवता की सेवा हमारा परम उद्देश्य है, पुलिस का प्रथम कर्तव्य है। और रक्तदान, मैं समझती हूँ कि हर 3 माह में हम लोगों ने आज प्रण किया है कि आते रहेंगे और जैसा भी समय मिलेगा स्टाफ पूरा सहयोग करेगा। रक्तदान शिविर लगाएंगे हम बीच में भी, जो आसपास के थाना क्षेत्रों से भी हम कलेक्ट होंगे और ये स्वेच्छा से किया गया रक्तदान। मंडला में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन में शामिल हुए। यहां उन्होंने कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि किसान आंदोलन में वामपंथी और कांग्रेसी आंदोलन कर रहे हैं और किसानों को गुमराह कर देश को तोड़ने और अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। हम तो आजादी देने का काम किया तो वहां पर जाकर के दिल्ली में कौन आंदोलन कर रहे हैं? वामपंथी आंदोलन कर रहे हैं, कांग्रेस के लोग आंदोलन कर रहे हैं। रहना कौन है, क्या लेना दे रहे हैं उसका? वो ट्वीट करके बता रहे हैं किसान आंदोलन के बारे में। किसान आंदोलन के बारे में ऐसे लोग जिन्होंने कभी राहुल गांधी किसानों के बारे में बोलते हैं, राहुल गांधी से कभी किसी ने पूछा था तो उन्होंने कहता कि मंडियों को उद्योगों के अंदर हम आलूओं की बरसात कर देंगे, आलू पैदा करने के लिए उद्योग लगा देंगे। जिस व्यक्ति को यह नहीं पता कि आलू उद्योगों में बनता है कि जमीन में पैदा होता है, ऐसे लोग किसान आंदोलन पर खड़े हो रहे हैं।
महू की भाटखेड़ी पंचायत में लाखों की धांधली का मामला सामने आया है। पंचायत में हुए लाखों रुपए के घोटाले को लेकर शिकायतकर्ता ने जांच की मांग की थी और जांच में घोटाले की बात सही साबित हुई। जांच के बाद रिपोर्ट पेश करते हुए पूर्व सरपंचों और सचिवों को नोटिस जारी किया जा चुका है। इस रिपोर्ट में महू के उपाध्यक्ष महमूद सेठ का भी नाम शामिल है। बता दें कि महमूद सेठ इस पंचायत में पूर्व सरपंच रह चुके हैं। इसी के साथ जांच रिपोर्ट के जरिए पता चला कि राजीव गांधी सेवा केंद्र को भी किसी निजी भूमि पर बनाया गया है। तो महू के भाटखेड़ी पंचायत का ये पूरा मामला है जहां लाखों की धांधली का मामला सामने आया है। ग्राम पंचायत भाटखेड़ी के अंदर पूर्व सचिव सरपंच महमूद सेठ, वर्तमान सरपंच सीताबाई राजेश और सहायक सचिव आयशा मेहर, पूर्व सचिव, दो तीन सचिव हैं जिन्होंने लाखों रुपए का घोटाला किया है। मैंने सूचना के अधिकार में इसकी जब जानकारी निकाली और जानकारी के आधार पर मैंने शिकायत करीब 26 बिंदुओं पर शिकायत इनकी की। उस 26 बिंदुओं में से 24 बिंदु मेरे सही पाए गए। वहां के जो उपभोक्ता है, जो अपनी सरकार में हमने पैसे जमा कराए हैं, इनकी सरकार में तो पैसे जमा नहीं हुए थे, ना ये विधायक बन गई थी तब हुए थे। अभी जब हमारी सरकार आई तो हमने कॉलोनी नाइजर को बिठा के और एमपीडी के अधिकारियों को बिठा कर वहाँ जो भी पैसा बनता था लीगल हिसाब से वो पैसा जमा करवाया, दोनों के बीच की मध्यस्थता करके। वहाँ पर जब कनेक्शन होना है तब उषा ठाकुर जी जो है वो कॉलोनी नाइजर की तरफ होकर के अधिकारियों से दबाव बनवा रही। सुनील काले हमारे संवाददाता। तो इस पूरी खबर पर हमारे साथ संवाददाता सुनील काले जुड़ चुके हैं। सुनील जी, क्या कुछ मामला है, किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? जो कि जनपद के हेलो जी सुनील जी, मैं बताना चाहूंगा कि जनपद के भाटखेड़ी ग्राम पंचायत का यह मामला है। पिछले 2-3 वर्षों से तो पंचायत ही नहीं खुली, लेकिन जो भी काम पूर्व सरपंच है महमूद सेठ, जो कि जनपद उपाध्यक्ष भी है, अपने खुद के निजी कार्यालय पर बैठकर कार्य करते हैं। लाखों का भ्रष्टाचार, करोड़ों का भ्रष्टाचार करा वहां पे। अभी पूर्व विधायक अंदर सिंह गढ़वाल ने भी उनका आरोप लगाए है। यदि अभी वर्तमान विधायक व प्रदेश सरकार की कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर ने यह पूरा मामला खोला है। इश्तियार खान उनपे गुड्डा बोल के दबाव बनवा रहे हैं और पंचायत में इतना भ्रष्टाचार है कि एक निजी कॉलोनी रायल कॉलोनी के अंदर सामुदायिक भवन बना दिया, जबकि यह नियम के विपरीत है। इस पूरे घोटाले पर किस तरह की अधिकारी पुलिस अधिकारियों द्वारा कार्रवाई की जा रही है? सब लिपापोती, सरकार उच्च दबाव में आकर, सरकार के उच्च दबाव में आकर जनपद, यहाँ तक कि जिला पंचायत भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है अभी तक। जी बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। वहीं इस पूरी खबर पर शिकायतकर्ता बादशाह खान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी बादशाह खान जी, बताइए किस तरह का घोटाला है निजीकरण पर, जिस तरह से आप कह रहे ऑफिस बनाया हुआ, अपना कार्यालय खोला हुआ है, उसको लेकर क्या कुछ कहना है? मैं शिकायतकर्ता बादशाह खान, ग्राम पंचायत भाटखेड़ी से। मेरी पंचायत के अंदर बहुत बड़े लेवल पे ने लाखों रुपए नहीं, मैं बताना चाहूंगा करोड़ों रुपए का घोटाला है। सामूहिक भवन प्राइवेट लैंड पे बना दिया है, पंचायत भवन है, कागजों पे रोड बना दिए हैं। जांच में ये सिद्ध भी हुआ कि इन्होंने कागज पे रोड बना दिए और मौके पे रोड ही नहीं है। मतलब 10-10 हजार स्क्वायर फीट के बंगलों के अंदर शौचालय दिखा लिया, जिसमें मैं खुद शिकायत करता, मेरे बंगले के अंदर भी इन्होंने शौचालय दिखा दिया। प्राइवेट लैंडों के ऊपर इन्होंने कंस्ट्रक्शन कर दिया, पंचायत के पैसे लगा दिए, कॉलोनाइजरों को फर्जी नक्शे एनओसी पास करके लाखों रुपए का घोटाला है ऑन द पेपर। जनपद से जो जांच हुई, उस जांच के अंदर भी जितने मैंने आरोप लगाए वो सब सिद्ध हुए। बाकी इसके बावजूद भी आला अधिकारी उसको संज्ञान में नहीं ले रहे हैं और कार्रवाई अभी तक कार्रवाई के नाम पे सिर्फ नोटिस दिया गया है। मैं पिछले 4 महीने से जांच आ गई है, उसके बाद भी इन पे कार्रवाई नहीं हो रही है। इस पर अधिकारियों का क्या कुछ कहना है, जो पूरी चीज हुई है उस पर सिर्फ कार्रवाई की बात कर रहे हैं, हालांकि अभी तक कार्रवाई नहीं की जा रही उनके द्वारा? मैडम, सिर्फ बात ही हो रही है। ये ना जब भी जाओ तो आश्वासन मिलता है कि सर हमने नोटिस जारी कर दिए हैं,
ये चीज मैंने जिला पंचायत से भी की, जनपद सीओ को भी काफी बार में गया, उनसे बात करी, बाकी बस सिर्फ आश्वासन मिल रहा है, कार्रवाई के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ मैडम अभी तक। बहुत बहुत शुक्रिया बादशाह खान जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हम जरूर आपकी इस बात पर अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस पूरे मामले पर क्यों आश्वस्त किया जा रहा है और कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। तो बता दें कि महमूद सेठ इस पंचायत में पूर्व सरपंच रह चुके हैं और करोड़ों का घोटाला सामने आया है, जहां पर पूर्व सरपंचों और सचिवों को नोटिस भी जारी किया जा चुका है, लेकिन पुलिस अधिकारी इस पर लीपापोती करते हुए सिर्फ और सिर्फ नजर आ रहे हैं। जिस तरह से शिकायतकर्ता भी हमारे साथ जुड़े थे और हमारे संवाददाता भी, उन्होंने कहा साफ तौर पर कहना है कि प्राइवेट लैंड के ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम किया गया है, कार्यालय बनाए गए हैं, तमाम चीजें सिद्ध हो गई, उसके बावजूद भी अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। भोपाल में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सफलता हासिल की है, पुलिस ने हथियार तस्करों के साथ बड़ी मात्रा में हथियारों के जखीरे को बरामद किया है। पुलिस हथियार में तस्करों ने अपने जुर्म को कबूल कर लिया है, इसी के साथ पुलिस तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है। अभी डाटा आया, जितनी भी पूछताछ हुई है, दो साल का पूरा मामला है, दो साल के अंदर अंदर ये सारे हथियार उसमें दिए गए एक दूसरे को लेकर, जिनका इस्तेमाल कहीं हुआ है कहीं नहीं हुआ है, वो सारी चीजें हम आगे की जाए। अभी जो सामने है 30 हैं, बाकी इसमें फॉलोअप में आगे और जो हमारे बाकी आरोपी बचे हैं जो इस पूछताछ में सामने आए, इन्वेस्टिगेशन के पर्पज से मैं नाम और जिलों के नाम नहीं बता रहा हूं, उनको हम पकड़ेंगे, उनसे पूछताछ करेंगे तो इसमें और हथियार। भोपाल के मोतीलाल नगर में खड़े ट्रक में स्पार्क होने से आग लग गई, धीरे धीरे करके आग ने भयानक रूप ले लिया, इसके बाद फायर ब्रिगेड ने स्थानीय लोगों की मदद लेते हुए आग पर काबू पाया। अब पुलिस और प्रशासन की टीम घटनास्थल पर कार्रवाई कर रही है। तो तस्वीरों को आप देख सकते हैं कि किस तरह से स्पार्क के चलते आग ने एक ट्रक को अपनी चपेट में ले लिया। विदिशा में एक परिवार न्याय की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचा है, पता चला कि परिवार उनके पक्ष में आए राजस्व मंडल के फैसले को कंप्यूटर पर चढ़ाने की मांग कर रहा है। वहीं इस मामले में पन्ना लाल अहिरवार का कहना है कि अगर उन्हें न्याय नहीं मिला तो कलेक्ट्रेट ऑफिस के बाहर अनशन करेंगे। बता दें कि करौली से पिंड भरते हुए आ रहे पन्ना लाल अहिरवार को गयासपुर के एसडीएम ने भी आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस मंडल से जो आदेश हुआ है सर, जो मेरे पक्ष में हुआ है, जमीन के संबंध में जो राजेश मंडल से जो आदेश हुआ है मेरे पक्ष में हुआ है, उसमें सर मैं एक बात कहना चाहता हूँ। कहाँ से पिंड भरते हुए आ रहा है? मैं सर गांव रकौली से पिंड भरते हुए सर बंद तक आ गया था। एसडीएम साहब, पूरा स्टाफ ग्यारसपुर का और पूरा स्टाफ गुलाबगंज का, उन्होंने मुझे समझाइश दी थी कि तुम्हारा काम हम करवाएंगे, तुम्हारा निर्णय हम करवाएंगे। इसमें कंप्यूटर पर दाखिल रिकॉर्ड अमल होना है सर, अभी तक नहीं हुआ सर, बहुत दिन हो गए, 5-6 महीने, पूरे एक साल तो वही जाते सर। मुरैना में वन विभाग द्वारा रेत का विनष्टीकरण किया जा रहा है। बता दें कि चंबल नदी इलाके से रेत का अवैध उत्खनन हो रहा था, जिस पर रोक लगाने के लिए पुलिस और वन विभाग ने कार्रवाई की है। पता चला है कि रेत माफिया के खिलाफ 15 दिनों से लगातार कार्रवाई की जा रही है। वहीं वन विभाग ने रेत को ले जाते हुए 15 ट्रैक्टर ट्रॉली भी पकड़ी है। देखिए, ये ताजपुरा और उत्तमपुरा है, जौरा इलाके के गांव है ताजपुरा उत्तमपुरा, जहां पे काफी दिनों से खबरें मिल रही थी कि बड़ी मात्रा में अवैध रूप से रेत का भंडारण किया गया है। तो आज इसमें पुलिस प्रशासन और फॉरेस्ट के अमले ने, जिसमें एडिशनल एसपी, एसडीएम, एसडीओपी और फोर्स, पुलिस का भी फोर्स था, फॉरेस्ट के सहयोगी भी थे और बहुत से अधिकारियों ने मिलकर आज वहां पे छापा डाला। करीब 1000 ट्राली के लगभग हमें अवैध रेत जो वहाँ भंडारित की गई थी वो बरामद की गई है। फॉरेस्ट वाले जिसका विनष्टीकरण और हमने जो कार्रवाई होती है वो कर रहे हैं मौके पे। सिवनी के आधे गांव थाना के पास पुलिस को कुछ लोगों के द्वारा धर्म परिवर्तन करने की जानकारी मिली। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची तो धर्मांतरण कराने वाले 4 ईसाई मौके से फरार हो गए। पुलिस ने इस मामले में ये भी बताया कि पिछले एक साल से आदिवासी क्षेत्र में धर्मांतरण का खेल चल रहा है और अब आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। कल दिनांक 6/2021
कि शाम को ग्राम सिमरिया का सुमतलाल पिता सियाराम इनवाती थाना उपस्थित आकर एक लिखित शिकायत पेश किया है कि इसकी बच्चियों की तबीयत खराब थी, तो जो नाम का व्यक्ति लखनादून से आकर झाड़फूंक करता था तथा इसे धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया जा रहा था, जिसकी रिपोर्ट पर थाना में धारा सदर का अपराध पंजीवृत किया गया है, आरोपियों की तलाश जारी है। पन्ना में वन्य जीव संरक्षण सहित पक्षियों के संरक्षण व वातावरण को उनके अनुकूल बनाया जा रहा है। प्रदेश के वन क्षेत्रों में गणना का नाम शुरू किया गया है। इसी क्रम में पन्ना के जंगलों में भी गिद्धों की गणना का भी काम शुरू किया गया है और वन विभाग की ओर से एक टीम को भी इस काम में लगाया गया है। बता दें कि टाइगर रिजर्व में 500 के लगभग गिद्धों की संख्या थी, वो अब बढ़कर इस साल 666 हो गई है। आज सुबह से गिद्धों की गणना का काम किया गया, जो सुबह 6 बजे से लगभग 9:30 बजे प्रातः तक किया गया और गिद्धों की संख्या हम लोगों के पन्ना टाइगर रिजर्व में 666 वयस्क गिद्ध और 56 अवयस्क गिद्ध हमको मिले हैं और बड़े हर्ष की बात है। पिछली बार जो गणना हुई थी उसके मुकाबले गिद्धों की संख्या में वृद्धि हुई है। पिछली बार 2019 की गणना में हमारे यहाँ 575 वयस्क गिद्धों की संख्या थी, जो बढ़कर अब 666 हो गई है। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश की खास खबरों में बस इतना ही, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर पर नजर डालते हैं और इस वक्त की बड़ी खबर किसान आंदोलन से जुड़ी सामने आ रही है, जहां किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा बयान, एमएसपी पर कानून बनना चाहिए, पीएम ने कानून बनाने के लिए नहीं कहा, तो देश कानून से चलता है, भरोसे से नहीं। किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा बयान, एमएसपी पर कानून बनना चाहिए, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पीएम ने कानून बनाने के लिए नहीं कहा, कानून से चलता है, भरोसे से नहीं देश। राकेश टिकैत का बड़ा बयान, जिस तरह से किसान आंदोलन लगातार जारी है उस पर राकेश टिकैत का एमएसपी से जुड़ा ये बड़ा बयान सामने आया है, जहां उन्होंने डायरेक्टली पीएम मोदी से एमएसपी पर कानून लाने की बात की है। उन्होंने साफ कहा है कि देश कानून से चलता है, भरोसे से नहीं। जिस तरह से भरोसा दिया जा रहा है, सद्भावना दी जा रही है कि एमएसपी पर और तमाम चीजों पर निष्कर्ष के लिए तैयार है, फोन कॉल की दूरी है, वहीं इस पर राकेश टिकैत का बड़ा बयान सामने आया कि एमएसपी पर कानून बनना चाहिए। तो राकेश टिकैत का बड़ा बयान, इस वक्त किसान नेता राकेश टिकैत ने साफ तौर पर बोला है कि एमएसपी पर कानून बनना चाहिए, एमएसपी पर कानून की बात कर दी गई है, पीएम मोदी ने कानून बनाने के लिए कहा है, अभी तक बना नहीं है, देश कानून से चलता है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है। तो किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा बयान। वहीं उस पूरी खबर पर हमारे साथ अमित त्रिपाठी भाजपा नेता जुड़ चुके हैं। अमित जी, आपका क्या कुछ कहना, जिस तरह से टिकैत जी का बयान आया है कि एमएसपी पर कानून बनना चाहिए। देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि लगातार विगत 70 दिनों से ज्यादा का समय हो गया है और लगातार सरकार बातचीत कर रही है और आज भी प्रधानमंत्री जी का बयान आया, और प्रधानमंत्री जी आज ही नहीं, लगातार जिस तरीके से किसान मुद्दे पर वेदनशीलता के साथ अपनी बात रख रहे हैं, वो दर्शाता है कि किसान के हितों में सरकार अपनी बात अपना कदम उठा रही है। लेकिन मैं आज भी आपसे कहना चाहता हूं कि देखिए, सरकार और विपक्ष माननीय कानून मतलब किसान, तो इन लोगों के बीच में अगर सरकार दो कदम आगे बढ़ गई है, तो दो कदम राकेश टिकैत जी को भी आगे बढ़कर ही कोई बात हो पाएगी। लोकतांत्रिक देश में अगर आप एक हट बना के चलेंगे, एक जीत पर अड़े रहेंगे कि नहीं यही होकर रहेगा, तो मुझे नहीं लगता कि आप एक निस्तारण चाहते हैं व्यवस्था का। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी ने पूरे मन साफ शब्दों में इस चीजों को कहा है और ये भी कहा है कि किसानों से जिस भी स्तर पर उनकी मदद करने की जरूरत पड़ेगी हम करेंगे। तो मैं कहना चाहता हूँ कि राकेश टिकैत जी को इस बात को समझना चाहिए और वो जिस तरीके से लगातार कह रहे हैं प्रधानमंत्री, देखिए उनके साथ समस्या क्या है, राकेश टिकैत जी ना सुप्रीम कोर्ट को मान रहे हैं ना वो सरकार की बात मान रहे हैं, वो एक जिद बना के बैठे हैं कि हमें चाहिए तो यही चाहिए, कानून खत्म होना चाहिए। देखिए, समझौता
दोनों तरफ से दो दो कदम जब आप पढ़ेंगे, साफ तौर पर कहना है कि केंद्र सरकार उलझा रही है, एमएसपी पर कानून क्यों नहीं बनाती है? देखिए देखिए मैं आपसे बता रहा हूँ, एमएसपी में कानून तो पहले भी नहीं था, तब जाके टिकट तो धरने पे कभी नहीं बैठे, 70 सालों से नहीं था। आज जब एक व्यवस्था, नई व्यवस्था किसानों को दी जा रही है, किसानों को अलग मंडी की व्यवस्था दी जा रही है, 1000 नई मंडियां बजट में दे दी गई कि उनको ई नैम से जोड़ा जाएगा, तो व्यवस्था किसानों के लिए जो ये क्रांतिकारी कदम सरकार उठा रही है उस पर तो इनका इनको स्वागत करना चाहिए। ये वही राकेश टिकैत हैं जिन्होंने जब ये बिल संसद में पास हुआ था तो इनके आप ही लोगों के चैनल में ये बाइट थी कि इन्होंने साफ कहा था कि मैं इस बिल का स्वागत करता हूं। आज आखिर वो बिल, आज वो भाषा क्यों बदली हुई है? उसकी मंशा साफ है, ये समाधान नहीं चाहते हैं, ये सिर्फ किसान के कंधे पे बंदूक रखकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, इसके सिवा कुछ नहीं है। और आज मैं बता दूं, अभी आपने नरेश टिकैत जी का कुछ दिन पहले का बयान सुना होगा, इनके जो भाई हैं उन्होंने साफ कहा था कि हमें कानून से मतलब नहीं है, मुझे मतलब है जो गिरफ्तार हुए लोग हैं उनकी हमको रिहा होना चाहिए। तो समस्या ये है कि कानून आज इस तरीके से, मेरा सवाल सिर्फ ये है कि अब केंद्र की सरकार का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी हो, देश के कृषि मंत्री जी साफ शब्दों में लगातार अपनी बातों को किसानों के हित में रखो, किसान मैं फिर कह रहा हूँ, किसान इस बात को समझ गया, इसलिए आज किसान अपने खेत में खुशहाली से खेती कर रहा है। आज वो जानता है कि ये हितों में, उनके लिए हितों में कानून बनाए गए हैं। तो शायद तक हमारी यूपी में भी रामपुर में इतना बड़ा जो महापंचायत लगी थी वो शायद तक ना लगी होती। देखिए जहां तक हम महापंचायत की बात कर रहे हैं तो अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके से वहां पर विपक्ष के नेता पहुंचकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, ये राजनीतिक स्टंट है। और जिस तरीके से अक्टूबर तक की खींचने की बात कर रहे हैं उसमें आपको पता होना चाहिए कि अगले साल विधानसभा के चुनाव हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी की जहां यूपी मतलब यूपी में सरकार है, मध्य प्रदेश के चुनाव है वहां पे सरकार है, तो ये कहीं ना कहीं उनको प्रभावित करने के लिए एक षड्यंत्र राजनीतिक स्टंट है राकेश टिकैत का। राकेश टिकैत खुद ही फंस गए हैं क्योंकि राकेश टिकैत के ऊपर FIR है, 120B के तहत उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है, उनको अपनी गिरफ्तारी का डर है, इसलिए वो अपनी जिद पे अड़े हुए हैं। वो उनको दिनों से और हितों से मतलब होता ना, तो आज वो जो अरबों की संपत्ति बना के बैठे हैं किसानों के ही नाम पर, वो किसानों के लिए कुछ करते लेकिन उन्होंने सिर्फ अपनी जेब भरने का काम किया। उनको ना किसानों के हितों से मतलब है, ना इस बिल से मतलब है, उनको सिर्फ अपनी राजनीतिक गोटियां सेकने से मतलब है, वही वो लगातार कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल, क्या किसानों को साधने की कोशिश में एमएसपी पर कानून लाएगी सरकार की नहीं? समय कम है। देखिए मैंने आपसे कहा ना, जब हमारी सरकार मोदी जी की सरकार ने कहा कि 1.5 साल हम इस बिल को नहीं लागू करेंगे, उस बीच में 1.5 साल के पीरियड में बहुत समय होता है, आप बातचीत के रास्ते खुल जाएंगे, आप लगातार बातचीत करिएगा। मैं कहता हूं ना कि 1.5 साल बहुत होता है, अगर हो सकता हो कि जो आप चाहते हैं वो 1.5 साल में वो चीज व्यवस्था बन जाए तो आप उस पर भी तो नहीं राजी हैं, आपको तो त्वरित कार्रवाई चाहिए, मतलब त्वरित कानून खत्म होना चाहिए। आप तो आज अगर कानून खत्म करने की बात करते हैं, ये लोग तो वो है ना कि जो CA NRC का भी विरोध कर रहे थे, तीन तलाक का भी विरोध कर रहे थे, इनका काम ही है कि देश हित में कोई भी कानून आएगा तो उसको उसका विरोध करना इनका एक वो बन गया है, अंदाज बन गया है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इसी के साथ पवन खताना, किसान नेता भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। पवन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या हट बना रखा है? जैसा भी मेरे भाजपा नेता अमित त्रिपाठी जी से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि ये तो किसान नेताओं का हट हो गया है, तो क्या ये हट है? नहीं, सरकार का हट नहीं है क्या ये? सरकार क्यों कहना चाहती है कि एमएसपी है, एमएसपी थी, एमएसपी रहेगी? क्यों नहीं कहना चाहती कि एमएसपी पर खरीदारी जारी रहेगी, खरीदारी होगी, खरीदारी सुनिश्चित होगी, गारंटीड कानूनी जामा पहनाया जाएगा? सरकार क्यों नहीं कहना चाहती जो बिल सरकार किसान को नहीं चाहिए वो बिल नहीं रहेंगे, उन बिलों को हम वापस ले लेंगे? क्यों नहीं कहना चाहती बार बार इसी बात को, 1.5 साल के लिए हम इसको स्टॉप कर देंगे? क्यों कर देंगे 1.5 साल के लिए स्टॉप? अगर बिल गलत है तो बिल वापस ले लो, दोबारा से ड्राफ्ट तैयार कर लो। अगर आपको कोई चीज अच्छी लेके आनी है तो किसान के साथ बैठ करके ड्राफ्ट तैयार कर लो, इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये कोई नाक का सवाल थोड़ी है, कोई हमने बिल बना दिया बिल वापस नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? जब आप ये मान चुके हो गलत है, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो कमियां हैं उनको दूर कर लेंगे, तो कमियां मान ली ना आज जी। आज तो प्रधानमंत्री जी ने लाइव में कहा है, राज्यसभा से कहा है, उच्च सदन से कहा है कि उसमें जो कमियां हैं उनको ठीक करेंगे। कानून बन जाएगा तो ये आंदोलन समाप्त हो जाएगा जी? एमएसपी पर अगर कानून बन जाता है तो ये आंदोलन वही समाप्त हो जाएगा?
सिर्फ मांगे इतनी पर कानून बने और तीनों बिल जो गलत है जो आज देश के प्रधानमंत्री जी ने भी मान लिया अब तीनों बिल गलत है एमएसपी पर कानून चाहिए। हाँ जी तीनों बिलों को वापस ले लो एमएसपी पर कानून बनाओ और कुछ और चीजें हैं उनके लिए कमेटी तैयार कर लो कमेटी बात करती है। पवन जी हट किस केंद्र सरकार की कैसे तीनों कानून वापस भी करवाने हैं एमएसपी पर कानून भी चाहिए। सरकार हमने चुनी है तो हमें चाहिए नहीं क्या? अगर सरकार हमने इसलिए थोड़ी चुनी थी कि आप इन बिलों को लेकर आइए। सरकार ने आज भी बोला कि मैंने मनमोहन सिंह जी के कार्य पूरे करे हैं। अरे मनमोहन सिंह जी के कार्य पूरे करने से तो आपको क्यों चुन के लेके आते हैं हम? मनमोहन सिंह जी के तो आप बता देते ये तो रेनकोट पहन करके भ्रष्टाचार फैलाते हैं। अगर उनको हमने आपने उनको पूरा करा दिया तो ये तो बहुत बात सही होगी पूरे देश ने सुना है आज जी। अगर आप मनमोहन सिंह जी के कार्य पूरे करने को आए हो या देश के किसानों के कार्य पूरे करने के लिए आए हो तो मनमोहन सिंह जी की सरकार चुन लेनी चाहिए थी हमें। हमें आपकी सरकार चुनने की क्या जरूरत पड़ी थी? हमने आपकी सरकार इसलिए चुनी थी कि आपने ये मेरी फैसलों में नहीं थे आपके में ये सवाल। आज ये सवाल आप लेकर के आ रहे हो तो आंदोलन चल रहा है ना। हमें बीजेपी सरकार इसलिए नहीं बनाई थी कि आप कांग्रेस की सरकार के पहली पैसे को लागू करेंगे। सेट करना जब हर चीज की एमएसपी अलग है हर चीज की एमएसपी पर अलग बन रहा है उस पर एक एमएसपी सेट करना कहाँ का सही है आप समझ रहे हैं? नहीं एमएसपी अलग नहीं है अलग अलग रेट है। एमएसपी का मतलब है न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसे सरकार घोषित करती है और न्यूनतम किसी भी चीज का न्यूनतम है। अगर आप न्यूनतम ये कह देते हो उससे नीचे नहीं खरीदा जाएगा तो इसमें गलत क्या है ये समझ नहीं पा रहे हैं हम। और जितने भी टीवी चैनल और आप मीडिया है सब आपको भी हमें समझाते समझाते ढाई महीने हो गया है। हम ये कह रहे हैं न्यूनतम पर गारंटी करो मैक्सिमम पर नहीं न्यूनतम पर गारंटी करने हम बिल्कुल पवन जी इस बात को समझ रहे हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल पर आप राजी और कानून बनाने की बात कर रहे हैं लेकिन जब प्राइवेट कंपनियों के हाथ में जाएगा तो मैं पूछ रही हूँ। हालांकि ठीक है आपकी वो राय है और राकेश टिकैत का बयान आया है। आप एक बात समझिए न्यूनतम मांग रहे हैं हम एमआरपी नहीं मांग रहे एमएसपी मांग रहे हैं जी जी और जो सरकार घोषित करती है जी जी जो कंपनी आएंगी वो उससे कम पे ना खरीदे। पवन जी मेरा कहने मतलब है कि आप ये चाह रहे हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल पर आपको कानून चाहिए साथ ही साथ तीनों कृषि बिल जो आए हैं वो वापस हो। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ पवन खताना किसान नेता जिन्होंने कहा मांग है जिनकी कि एमएसपी पर तो कानून आ ही आए साथ ही साथ जिस तरह से तीनों कृषि बिल आए हैं उसको भी वापस ले लिया जाए। हालांकि सरकार को देखना अहम होगा कि संसद में जो कृषि कानून बिल पास हुए हैं वो किस तरह से क्या वापस लेती है या दोनों तरफ से ये हट जारी रहती है और जो आंदोलन जिसको 75 दिन से ज्यादा हो चुके हैं वो आगे भी जारी रहता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप स्वस्थ रहिए सतर्क रहिए और देखते रहिए प्राइम टीवी।